अपॉन रूट टू कॉस एक्स, साइन इनवर्स। देखो इसे हम कॉस पाई बाय फोर लिख सकते हैं साइन एक्स, ये साइन पाई बाय फोर कॉस एक्स, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज फॉर्मूला है एक्स प्लस पाई बाई फोर का, बन गया। अब इसमें हमें चेक ये करना है कि साइन इनवर्स और साइन आ रहा है, तो एक्स प्लस पाई बाई फोर का इंटरवल चेक करना है। एक्स है माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, आप इसमें पाई बाई फोर और ऐड कर दो, एक्स प्लस पाई बाई फोर, देन दिस इज जीरो और दिस इज पाई बाई टू। ये वाला इंटरवल जीरो से पाई बाई टू आ रहा है। अब अगर जो फर्स्ट इंटरवल हमने पढ़ा है साइन इनवर्स साइन का, वो होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो उसी के अंदर आ रहा है। अगर ये उसी के अंदर आ रहा है तो साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर को हम लिखेंगे एक्स प्लस पाई बाई फोर आंसर। इंटरवल चेक करने के बाद में इसको ही लिख देंगे ना भाई, ये साइन पाई बाई फोर हो गया, ये कॉस पाई बाई फोर, इसे साइन पाई बाई फोर, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स साइन। अब साइन इनवर्स साइन, अगर ये वाला एंगल माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में अगर आ रहा होगा, तो आप इसे एक्स प्लस पाई बाई फोर लिख देंगे। तो हमने चेक किया एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर तक है, हमने इसमें पाई बाई फोर और ऐड कर दिया, तो इंटरवल जीरो से पाई बाई टू आ गया। हमें पता लग गया कि ये इंटरवल, ये एक्स प्लस पाई बाई फोर इस इंटरवल में लाई कर रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, तो इसको हमने सीधा एक्स प्लस पाई बाई फोर आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो इसका क्या मतलब है, सीकेंट स्क्वायर टेन इनवर्स टू कॉस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स थ्री। अगर इस तरह के क्वेश्चन है क्या करना चाहिए इसमें, इसका इसका मीनिंग है सीकेंट टेन इनवर्स टू और इसका पूरे का स्क्वायर, ये है इसका मीनिंग। और ठीक इसी इसका भी यही मीनिंग होगा, कॉस सीकेंट और कॉट थ्री, कॉट इनवर्स थ्री का होल स्क्वायर, ये है इसका मीनिंग। अब ये है सीकेंट और ये है टेन इनवर्स, तो क्या करना चाहिए हमें, सीकेंट इसको सीकेंट इनवर्स में चेंज करना चाहिए, ये सीकेंट है ये टेन इनवर्स है। तो ये पढ़ा था हमने सीकेंट और सीकेंट इनवर्स अगर होगा तो वो एक्स के इक्वल आ जाता है, तो इसे हम सीकेंट इनवर्स में चेंज कर देंगे। तो देखो सीकेंट, अब ये होता है टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस चेंज करना हमें इसको सीकेंट इनवर्स में, तो सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस तो वन आ गया, टेन होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस तो वन आ गया। सीकेंट इस इनवर्स, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फोर, ये टू का स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव, अंडर रूट फाइव आ जाएगा, ये हो गया। अब ठीक इसी तरह से इसको फाइंड कर दो कोसिकेंट, इसको भी कोसिकेंट में चेंज करो, कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो वन है, तो ये आ गया। अब हाइपोटेन्यूस हमें निकालना पड़ेगा, ये है, ये क्या चीज है, बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसका वन, तो नाइन प्लस वन टेन, अंडर रूट टेन, हाइपोटेन्यूस आ गया रूट टेन इसका स्क्वायर। अब देखोगे आप सीकेंट और सीकेंट इनवर्स, ये रूट फाइव हो जाएगा,
रूट फाइव का स्क्वायर हो गया फाइव, और ये कॉस सेकेंड इनवर्स रूट टेन, और रूट टेन का स्क्वायर हो गया टेन, और टेन और फाइव 15 आंसर आ गया। को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करिए इसको। आंसर करना है हमको, इसका आंसर फाइंड करिए। साइन फिर कॉट इनवर्स कॉस फिर टेन इनवर्स। सबसे पहले आप इसे टेन इनवर्स को चेंज कर दो। टेन इनवर्स को चेंज कर दोगे ये वाला किसमें, कॉस में, कॉस में चेंज करो। साइन कॉट इनवर्स कॉस, अब टेन इसको चेंज करेंगे कॉस, ये कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पे बेस कितना है वन। कॉस इनवर्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो गया वन, ये है ना टेन इनवर्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस तो वन है, तो बेस वन आ गया। अब हाइपोटेन्यूस हमें चाहिए, हाइपोटेन्यूस कितना होगा फाइंड करना पड़ेगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। आगे चलिए, कॉस और कॉस इनवर्स, तो कॉस कॉस इनवर्स एक्स से, ये वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। साइन कॉट इनवर्स कॉस और कॉस इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये साइन है और ये कॉट इनवर्स है,
इसे भी साइन में चेंज कर दोगे, साइन, ये भी साइन हो गया, साइन इनवर्स। अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो वन अंडर रूट 1 + x² हो गया। अब अगर डायरेक्ट, डायरेक्ट इसको फाइंड करने में दिक्कत है तो आप ऐसा करिए, कॉट है ना, कॉट होता है बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया 1, परपेंडिकुलर है अंडर रूट 1 + x². आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगा 2 + x², तो अब लिखेंगे साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हो गया 2 + x², तो आंसर क्या आएगा, साइन इंटू साइन और साइन इनवर्स, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 1 + x² डिवाइडेड बाई 2 + x² आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे आप, ये वाला आंसर किसका, किसको करिए, ये इसका आंसर चेक करते हैं। देखो ये सीकेंट और ये साइन, तो इसको आपने साइन इनवर्स में सीकेंट इनवर्स में चेंज किया होगा, तो ये देखो सीकेंट और इसको भी सीकेंट इनवर्स लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो बेस हाइपोटेन्यूस कितना है इसमें, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो 1 है, तो 1 अपॉन बेस, बेस फाइंड करना पड़ेगा, कितना आएगा 1 - a² मैंने ये सब ऐसे लिखा जाएगा यहां तक, सीकेंट और इसको सीकेंट इनवर्स लिखा ना, सीकेंट इनवर्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस 1 है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, बेस ट्रायंगल बना के फाइंड कर लो, तो सीकेंट और सीकेंट इनवर्स की जगह क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 - a², तो ये बनेगा कॉट इनवर्स, इसके प्लेस पे आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 - a² कॉट इनवर्स, और ये कॉस, ये हो गया कॉस कॉट इनवर्स, और इसकी जगह सीकेंट और सीकेंट इनवर्स, इसके प्लेस पे सीकेंट और सीकेंट इनवर्स की जगह 1 अपॉन अंडर रूट 1 - a². अब ये कॉस है, इसे कॉस में चेंज करेंगे, कॉस कॉस इनवर्स, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है इसमें, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस तो 1 है, अब इसमें हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड करना पड़ेगा, यह है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ट्राइंगल से देखेंगे अगर, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया अंडर रूट 1 - a², तो दिस इज 2 - a², तो कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस कॉस इनवर्स 1/√2, इसके प्लेस पे आ जाएगा ओनली 1 अपॉन अंडर रूट 2 - a², तो ये बचेगा कॉस सेकेंट टेन इनवर्स, और इसके प्लेस पे कॉस और कॉस इनवर्स 1 अपॉन
अंडर रूट टू माइनस ए स्क्वायर। लास्ट में कोसेकेंट, इसको चेंज कर दोगे आप, कोसेकेंट इनवर्स में चेंज कर दोगे, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वन है, हाइपोटेन्यूस इसका निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन हाइपोटेन्यूस होगा अंडर रूट थ्री माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, अंडर रूट थ्री माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। हाँ करेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स ए प्लस बी एक्स बी माइनस ए एक्स, सॉल्व करो इसको। अब टेन इनवर्स ए प्लस बी एक्स और बी माइनस ए एक्स, देखो इसमें टेन इनवर्स इसे आप ए से डिवाइड कर दो, या बी से डिवाइड कर दो ना, तो ये बन जाएगा ए अपॉन बी प्लस एक्स और वन माइनस ए अपॉन बी एक्स। तो यहां पर देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, फॉर्मूला बन रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई किसका फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स ए बाई बी प्लस दोबारा देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स इंटू वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला बन गया। सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई करिए, टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स, बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा इसको। ए आप इसको बी से डिवाइड कर दो, बी से नीचे ऊपर डिवाइड करना, तो ये ए
अपॉन बी माइनस साइन एक्स, और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, बी कॉस एक्स से डिवाइड कर दो, नीचे ऊपर बी कॉस एक्स से। क्यों कर रहे, जब यहां पर बी कॉस एक्स से डिवाइड करोगे ए अपॉन बी, जब बी कॉस एक्स से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस ये ऊपर भी डिवाइड करना है नीचे भी डिवाइड करना है, बी कॉस एक्स से डिवाइड करा ये वन हो गया, और यहां पर बी कॉस एक्स से डिवाइड किया तो ए साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स। ऐसा इसलिए किया, ये ए अपॉन बी टेन एक्स, वन प्लस ए अपॉन बी टेन एक्स, फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला है ना, देखो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स इंटू वाई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन इनवर्स एक्स। एक्स के प्लेस पर आएगा ए अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स वाई, वाई के प्लेस पर आएगा टेन एक्स, टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस टेन इनवर्स और टेन एक्स, ये आंसर हो गया। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूले में चेंज करना है। जब भी हमें सिंपलीफाई करने के लिए आएगा तो हमें कुछ ऐसा सोचना है जिससे वो फॉर्मूले में चेंज हो जाए, तभी वो सिंपलीफाई होगा, शॉर्ट हो पाएगा। सॉल्व करो बच्चों, इसका आंसर बताओ क्या आएगा।
जीरो आंसर नहीं आएगा बेटा इसका, इसका आंसर जीरो नहीं आएगा, और किसी का आंसर वन भी नहीं आएगा। जीरो भी नहीं आएगा, वन भी नहीं आएगा, और बताओ। अच्छा नहीं, जीरो नहीं आएगा आंसर, आंसर इसका जीरो नहीं है। पाई, हन्नी कुमार कैसे, हन्नी कैसे, हनी कुमार रीजन बता, हनी कुमार रीजन बताना बेटा। अब है रीजन बता बेटा। देखो इधर, एक प्रॉपर्टी मैंने शुरू में आपको प्रूव कराई थी कि जो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स होता है जब ये एक्स जीरो से बड़ा होता है, लेकिन अगर एक्स जीरो से छोटा हो तो ये पाई प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स होता है, कॉट इनवर्स एक्स। एक प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी, यहाँ पे ए और बी, ए इज ग्रेटर देन बी, देयर फोर ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो, देन यू कैन राइट दिस टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन, यहाँ पर बी इज ग्रेटर देन सी, देयर फोर बी माइनस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, देन यू कैन राइट दिस टेन इनवर्स बी माइनस सी अपॉन वन प्लस बी सी प्लस सी, ए इज ग्रेटर देन सी तो देयर फॉर सी माइनस ए विल बी नेगेटिव, सी माइनस ए इज लेस देन जीरो बिकॉज ए इज ग्रेटर देन सी, तो देयर फॉर यहां पर जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी टेन इनवर्स सी माइनस ए अपॉन वन प्लस सी ए एंड प्लस पाई, एंड यू नो दिस इज फॉर्मूला टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, और ऐसे ये वाला, ऐसे ये वाला सारे कट जाएंगे, आंसर इज पाई, पाई आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई, पाई इज द करेक्ट आंसर। सिंप्लीफाई करिए इसको, आंसर आएगा साइन, साइन में और टेन में आंसर आएगा, साइन और टेन में लास्ट में आंसर आएगा, सिंप्लीफाई करिए इसको।
फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स माइनस का टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स। देखो दोनों जगह सेम है, ये कॉस एक्स सेम है, ये कॉट इनवर्स आ रहा है, टेन इनवर्स आ रहा है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको चेंज करना पड़ेगा जिससे इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो कोट को 10 में चेंज कर लेंगे सर। ये जो कॉट इनवर्स है, इस कॉट इनवर्स को ना टेन में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे टेन इनवर्स है। और कॉट को टेन में कैसे करोगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है कितना, पाई बाई टू। तो यहां से कॉट इनवर्स एक्स इक्वल आ जाएगा पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स, और तो यहां से देखो ये दोनों टेन इनवर्स में आ गए। अब इसका क्या फायदा हुआ, अगर आप इसमें से यहां से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो देन दिस विल बिकम टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स, या सीधा सीधा ये हो गया ना, ये फाइव बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स हो गया भाई, ये तो वाइस हो गया। सही है यार, फाइव बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, टू टेन इनवर्स एक्स के तीन फॉर्मूले लिखाए थे आपको, एक था टेन में, एक था कॉस में, एक था साइन में। अब क्योंकि ये कॉस में आ रहा है तो आप यहाँ पे कॉस वाला ही फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा देखो कितना, पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स, ये था लिख दे रहा हूं मैं, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस, ये किया था हमने, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर। अगर हमें इंटरवल नहीं दे रखा होगा तो प्राइमरी इंटरवल फॉर्मूला ही दे लगाएंगे, तो कॉस इनवर्स वन माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कॉस एक्स आएगा, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ये हो गया। तो अब क्या करें, कॉस इनवर्स आएगा, अब क्या करें, वन माइनस कॉस क्या होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। सॉल्व करते चले जाओ, जो भी स्टेप्स बनते जा रहे हैं, टू से टू कट गया। अब देखो पाई बाई टू माइनस कॉस यहाँ पर साइन आ गया, तो क्या करें यहाँ पर, यहाँ पे क्या करें, अब ये वाई के इक्वल आ ही रहा है, तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, जैसा टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू होता है। तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू के इक्वल आ जाएगा। साइन को इधर लिख दिया साइन वाई, तो साइन में और टेन में दोनों में आंसर आ गया साइन बाई इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। प्रूफ के लिए ऐसा कोई भी ऑप्शन आ सकता है कि इस तरह का ऑप्शन होगा तो आप ये आंसर हो जाएगा कि साइन बाई इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या क्या किया हमने इसमें देख लीजिए एक बार, सबसे पहले हमने इसको चेंज किया कॉट को इस वाले फॉर्मूले से, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का टेन इनवर्स एक्स, तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया, ये और ये मिलके ट्वाइस हो गया। इसके तीन फॉर्मूले में से कोई से फॉर्मूले से भी हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा बस, टेन कॉस साइन कोई सा फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर दो चलेगा। हमने कॉस वाला अप्लाई किया है, ये पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पे, वन माइनस कॉस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन प्लस कॉस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, दो से दो कट गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे कौन सा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू
पाई बाई टू, तो यहां से आ गया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स। पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स किसके इक्वल आएगा? साइन इनवर्स एक्स के। साइन इनवर्स एक्स आ गया, ये बचा ना एक्स, साइन इधर, साइन बाई इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। सॉल्व करिए इसको, इसका आंसर निकालिए। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, कितनी वैल्यू आएगी इसकी। देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टेन इनवर्स एक्स वन प्लस टेन इनवर्स एक्स टू प्लस टेन इनवर्स एक्स थ्री प्लस कहाँ तक? टेन इनवर्स एक्स एन तक, ये था टेन इनवर्स एक्स वन से शुरू होके कहाँ तक जाता है अगर ये टेन इनवर्स एक्स एन, दो से ज्यादा अगर होते हैं तो ये था टेन इनवर्स, यहाँ था एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव ऐसे लिखा है था, तो ये वाला अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला यहां पर आप। अब कैसे होगा उसका अप्लाई? टेन इनवर्स देखो हमने यहां पे लिखा है एस वन, एस वन का मतलब क्या होता है? एस वन का मतलब होता है कि जितने भी यहां पर ये एंगल दिए होंगे इन सबको सिंगल सिंगल प्लस करना है, यानी एस वन मीन्स होगा, एस वन का मीन्स होगा यहाँ पर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स एन, सार सबको सिंगल सिंगल प्लस करना है। इस क्वेश्चन में ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, तो यहाँ पर एस वन का मतलब हो गया वाई जेड अपॉन एक्स आर, जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस एक्स वाई अपॉन जेड आर, ये हो गया। और यहाँ पे माइनस एस थ्री, एस थ्री का मतलब होता है तीन तीन की प्रोडक्ट इकट्ठे लेना है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो एस थ्री का मतलब आएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, फिर एक्स वन एक्स टू एक्स फोर, जितने भी पॉसिबल तीन तीन के ऐसे ट्रिपलेट बनेंगे वो सब उसको एस थ्री कहा जाता है। तो यहां पर
एक ही आएगा तीनों का मल्टीप्लाई, वाई जेड जेड एक्स, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, एंड एक्स आर वाई आर जेड आर, तो एक्स वाई और जेड ये कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई वन माइनस। अब आता है एस टू, एस टू का मतलब होता है दो दो का प्रोडक्ट लेना है हमको, यहाँ पर चार चार का प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे दो दो का प्रोडक्ट लेंगे, तो दो दो का प्रोडक्ट कैसे आएगा, वाई जेड अपॉन एक्स आर वाई, ये दोनों आएंगे, इसका और इसका प्रोडक्ट, फिर आएगा प्लस इसका और इसका प्रोडक्ट आएगा, जेड एक्स एक्स वाई वाई आर, ये दो का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, देन वाई जेड एक्स आर का वाई जेड एक्स वाई एक्स आर और जेड आर, ये इस तरह से आएगा, ये फॉर्मूला ओपन होगा, ये हो गया यहां से यहां तक एस वन माइनस, ये हुआ एस थ्री वन माइनस, और ये पूरा एस टू, एस टू में दो दो का प्रोडक्ट का सम आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, टेन इनवर्स इसका एलसीएम क्या आएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स आर वाई आर जेड आर, तो एलसीएम आ गया एक्स वाई जेड आर, एक्स आर कैंसिल वाई जेड, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड अपॉन आर क्यूब, डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, जेड स्क्वायर यहां पर जेड कैंसिल, वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन और आर स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, ये वाला एक्स कैंसिल, जेड कैंसिल, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आर और आर आर स्क्वायर दिया गया। हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के इक्वल है, अगर हम यहाँ इसके प्लेस पे आर स्क्वायर लिख दें, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वन, और वन माइनस वन जीरो, और जीरो से इसको डिवाइड करेंगे, टेन इनवर्स नॉट डिफाइंड, ये किसकी वैल्यू होगी, पाई बाई टू की, पाई बाई टू आंसर आ जाएगा। आंसर इज पाई बाई टू। इसको करिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
इसकी वैल्यू फाइंड करिए क्या आएगी, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी। कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स बाई अपॉन बी इक्वल टू अल्फा है, क्या करेंगे फिर इसमें। एक फॉर्मूला भी प्रूव किया हमने, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई इक्वल टू अल्फा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई, इसका फॉर्मूला भी किया हुआ हमने, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, ये आएगा एक्स वाई और ए भी आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस, अगर प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है, फिर आएगा अंडर रूट वन माइनस इसका स्क्वायर आता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अंडर रूट ये अप्लाई कर दो फॉर्मूला, कॉस को इधर ले गए कॉस अल्फा हो गया, बचा एक्स वाई ए बी माइनस कॉस अल्फा। आप कॉस अल्फा को इधर लाओ, कॉस अल्फा को इधर लाओ और इस बार जो रूट वाली टर्म है इसको इधर ले जाओ, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट वाली टर्म एक साइड रखते हैं, बाकी सबको एक साइड कर लिया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा। गाने सुनने का टाइम इसी समय मिलेगा यार, गाने गाने सुन लिए और भी गाने सुनना और करना क्या घर में बैठ के। और ये वाला कॉस स्क्वायर अल्फा इधर ले जाओ तो वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, ये बस प्रूव हो गया। इसी की वैल्यू तो निकालनी थी हमें, तो आगे इसकी वैल्यू, इसके क्वेश्चंस आप अब बुकलेट से कर सकते हो, एग्जाम्पल वगैरह कर सकते हो, अगर आपके सारे एलिमेंट हो गई है, एलिमेंट हो गई है एनसीईआरटी हो गई है, तो अब आप करेंगे एलिमेंट और एनसीईआरटी के बाद आप करेंगे बुकलेट,